अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद जुनैद शाह और आप देख रहे हैं पाक व्लॉगर्स यूट्यूब चैनल। मैं आपको पाक व्लॉगर्स पर वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आया हूं बिलीवर रेस्टोरेंट जो एक लेडीज़ ने स्टार्ट किया है। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा। व्यूअर्स, ये बिलीवर रेस्टोरेंट है। यहाँ पे घर के ही खाने होते हैं, लाइव बनते हैं, और माँ जी हैं यहाँ पे बना के, कस्टमर्स हैं उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनकी स्टोरी उनकी ज़बानी जानते हैं कि कैसे ये उन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ तक कैसे ले किया इस रेस्टोरेंट को। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं बच्चे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि ये आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सेटअप है, और ये आपने कब से स्टार्ट किया और किस तरह आपको ये थिंक आई, किसके आपका जो है सपोर्टर है, आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? जी, सबसे बड़ा सपोर्टर तो रब की ज़ात होती है, वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, ये रब सोने के इख्तियार में है। एक वो वक्त था कि मेरे पास मेरे अंडर इतने लोग काम कर रहे थे, मेरी बुटीक थी, मेरा अपना घर बार था, अपना माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप था। अल्लाह सोना ने, कहते ना सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, अप डाउन ज़िंदगी के साथ होते हैं। तो तब भी हमने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत में लगे रहे। फिर कुछ क्राइसिस आ गए, कुछ मेरे हस्बैंड की बीमारी, कुछ रिश्तेदारों की नज़र हो गया, सारा कुछ हम लोग ब्रेक हो गया सारा कुछ। फिर भी हमने हिम्मत ना हारी, लोन उठाया, जैसे तैसे किया, पैसे पकड़ के हमने दोबारा रेस्टोरेंट खोला ताकि हम अपने वापस अपनी खुशहाली के दिनों में आएं। लेकिन बदकिस्मती से कोरोना आ पकड़ा हमें और फिर वापस उसी जगह पे आके खड़े हो गए जहाँ से हम चले थे। और फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। मैं कोई 6-7 मंथ मैंने एक चिन रिक्शे में घर से खाने तैयार करके मैं ला के सेल करती रही हूँ। और फिर उसके बाद मेरी अंतक मेहनत के बाद मेरे अल्लाह सोने ने मेरी मदद फरमाई, और अल्लाह सोने ने ही कुछ ऐसा वसीला बना दिया, कुछ अल्लाह ताला ने अपने ऐसे बंदे नामज़द कर दिए जिन्होंने मेरी मदद की और जिन्होंने मुझे ये किचन बना के दिया ताकि मैं इसमें खिदमत खल्क कर सकूँ और रब राज़ी कर सकूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर से खाने तैयार करके लाती हूँ, इधर भी खाने तैयार करती हूँ, ऑन द स्पॉट जो भी बच्चे मांगे वो रेडी करके देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह करम है रब सोने का कि अगर वो वक्त नहीं रहे तो इंशाल्लाह ताला ये भी अच्छे से अच्छे वक्त आएंगे इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि आपने बुटीक का काम शुरू किया हुआ था, बुटीक का काम छोड़ के आप इस तरफ आई, इस तरफ आपको किसी ने मोटिवेट किया था, किसी ने गाइडलाइन दी थी कि ऐसे आप इस तरफ, ये चूल्हे की तरफ आई? देखें जी, ये अल्लाह सोने के इख्तियार में होता है कि बंदे को किधर चल रहा है, उसको किधर लेके जाना, ये सब अल्लाह सोने के इख्तियार में है। और अल्लाह सोने ने अगर मुझे इस खिदमत के लिए तायुन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखुशी ये खिदमत करने को तैयार हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, मेरा बेटा एज अ शेफ काम कर रहा है, बच्चियां मेरी पढ़ रही हैं, हम मिलके काम मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अपना कर्ज जो है आसानी से उतार सकें। आप इधर आपने आके मार्केट में रेस्टोरेंट बनाया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे जो लोग हैं उनका रवैया, उनका फीडबैक क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना रब सोने का शुक्र अदा करूं, अब बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पे हॉस्टल्स हैं और बच्चे आउट ऑफ सिटी से आए हुए हैं, कुछ डॉक्टर हजरात हैं जो कि रेस्टोरेंट का खाना खा खा के बिल्कुल वो हो चुके हैं, हॉस्टल का खाना खा के डेली एक ही चीज़, और यहाँ पे आके इतना मुतमईन होते हैं, इतना खुश होते हैं कि हम वाकई ऐसे जैसे हम अपने घर में। एक बच्चा तो टोटली आके कहेगा कि माँ जी आज आपने ये खाना खिलाया तो मुझे मेरी अम्मा याद आ गई। मैंने कहा तो बेटा ज़ाहर है मैं भी माँ ही हूँ। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी वाले मामले करे और बेहतर करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सोने का करम है, अल्लाह सोना इज्जत दे रहा है। यहाँ पे आपका जो मेन्यू है वो किस तरह चल रहा है, कैसे बनाती हैं आप? रोज़ का मेन्यू जो होता है चेंज होता है, और चिकन, सब्ज़ी, दाल, कबाब वगैरह ये तो रूटीन में रोज़ के रोज़ चेंज कर करके तो लाते हैं, खाना खाते हैं। बच्चे जो शौक़ से कहते हैं वही उनकी फरमाइश के मुताबिक बनता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल लाइट फीके खाने पसंद है, उनके लिए सेपरेट बना के रखती हूँ,
कि सबके लिए हर वो चीज़ जो वो चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ना ही कभी मैंने प्राइस का इतना वो किया है, जिसकी पॉकेट में जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक चलती हूँ, कि मैंने कोई फिक्स प्राइस नहीं रखी हुई कि इतने का ही है, नहीं। कुछ कहते हैं सिर्फ कमाने के लिए नहीं ज़िंदा रहते, खिदमत करने के लिए भी अल्लाह ताला ने अगर ये मौका दिया है तो खिदमत करने का लिए दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाखुशी ये खिदमत करने को तैयार हूँ। और आपको यहाँ पे कितनी देर हो गई है यहाँ ये रेस्टोरेंट बनाए हुए? जस्ट 2 months आई थिंक हो चुके हैं, क्योंकि 7-8 months मैंने चीन में खाना बना के बेचती रही, फिर वो वहाँ से मैं यहाँ पे आ गई इसी मार्केट में। माशाल्लाह पहले भी अल्लाह सोने ने इज्जत दी, अब मजीद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो खाना बना के आप लाते थे रिक्शे में चिंग चिंग, तो वो आप यहीं पे करती थी सेल आउट? मैं यहीं पे रेडी करती हूँ, यहीं पे सब कुछ सर्व करके देती हूँ। अगर कोई बच्चे बोल दे हमें आज कढ़ाई खानी है, हमें ये चीज़ खाना है, वो चीज़, तो फिर ऑन द स्पॉट रेडी करके देती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका रेस्टोरेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया आपने, आपका जो सेटअप है माशाल्लाह बहुत ही यूनिक किस्म का, और नाम जो आपका रेस्टोरेंट का है माशाल्लाह बहुत जो है ना बिलीवर रेस्टोरेंट, वो भी एक यकीन वाला, बिल्कुल अल्लाह सोने पे यकीन है, रब सोने पे यकीन है, और यहाँ तक पहुँचे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी आसानी वाले मामले फरमाएगा, और बाइज़्ज़त तरीके से सब कुछ अल्लाह ताला इंशाल्लाह वही दिन लेके आएंगे पलट के, कि मेरा घर भी होगा, मेरा सब होगा इंशाल्लाह ताला। बेशक व्यूअर साहब ने देखा कि एक लेडीज़ हैं माँ की तरह हैं, जिन्होंने रेस्टोरेंट यहाँ पे स्टार्ट किया, और अब बड़ी हिम्मत के साथ इन्होंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। अल्लाह पाक इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत दे, और ये उन औरतों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है जो घर बैठे हैं और काम नहीं कर सकती, तो ये इन्हें देखें और देख के ये भी वो भी काम स्टार्ट कर सकती हैं अपने घर से। और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बाहर से आते हैं लोग, ज़्यादातर स्टूडेंट, मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ और हॉस्टलाइज्ड हूँ, मैंने भी यहाँ पे आकर खाना खाया और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, जैसे मेरी माँ ने ही मुझे बना के अपने हाथों से खिलाया मुझे। अगर कोई खाना चाहता है तो यहाँ पे आप भी आएँ और विज़िट करें और खा के देखें कि वाकई घर के ही खाने हैं। ये बिलीवर किचन के नाम से ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये शादमन 1 है शादमन मार्केट में, और डिलीवरी भी होती है, डिलीवरी भी फ्री है। जी जी डिलीवरी फ्री है। डिलीवरी की कहाँ तक करते हैं वैसे आप? अराउंड अबाउट मेरे पास इधर जितने हॉस्टल्स वगैरह हैं तो उन्हीं पे डिलीवर कर रहे हैं। मतलब किलोमीटर्स के हिसाब से नहीं है? हमारे राउंड अबाउट ही काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं के साथ हमारा लिंक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई दूर से कर देता है? हाँ, ये अभी दूर वाला तो अभी तक तो कोई नहीं है, ऑलमोस्ट मुझे अभी 2 months हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सारे ये सर्विस हॉस्पिटल आ जाता है, और ये इधर कार्डियोलॉजी, फातिमा मेमोरियल, अपवा कॉलेज, अभी इसी शादमान के एरिए में ही इर्द गिर्द बच्चा जा रहा है। व्यूअर्स आपने देखा कि डिलीवरी भी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, यहाँ पे विजिट भी करें और खाने खाएं और खानों से लुत्फ अंदोज हों। अब हमारी वीडियो का टाइम होता है ख़त्म, इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स रोटी देखें माशाल्लाह, रोटी रेस्टोरेंट पे जाते हैं कहीं से कच्ची होती है तो जली होती है, माशाल्लाह ये रोटी देखें कितनी प्यारी है, माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारी है, और इसे ना ही कहीं से कच्ची है ना ही, मतलब जैसे मेरी माँ ने ही बना के मुझे दे दी है और मैं खा रहा हूँ बहुत मज़े के साथ। ये शिमला मिर्च है, साथ आलू है इसमें शिमला मिर्च में, और क्या कहते हैं कीमा भी है, और ये अचार गोश्त है, दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्ट।